और स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को सौंपा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान दौरा कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो जनसभा को संबोधित करने से पहले की हैं। ये वो प्रगति गाथा जो 5 साल के बाद रोजगार के तमाम अवसर पैदा करेगी। बीना में ये रिफाइनरी प्लांट ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों, ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे, वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। मैं G20 के सफल आयोजन के लिए, यहां जो काम करने का अवसर मिला, इसके लिए आप लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाए हैं। इससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की भी नई छवि निखर कर आई है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम की भी G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा करूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए लेजर न्यूज के साथ। नमस्कार।